नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं बेसन के आलू। एक कटोरी बेसन है, थोड़े से लहसुन और 6 से 7 हरी मिर्च, 2 प्याज और 2 टमाटर, और कड़ी पत्ता लिया है, जीरा, राई, थोड़ा सा अजवाइन और मेथी। एक हम प्लेट लेंगे, उसमें बेसन डाल देंगे, बेसन को थोड़ा सा नमक डाल दिया है, अजवाइन, इसमें हम ऑयल डाल रहे हैं, इससे जो हमारा बेसन है वो सॉफ्ट रहेगा। बेसन के आलू एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होंगे, कभी कभी हार्ड हो जाते, इस तरह से मिलाएंगे, फिर इसमें पानी डाल के फिर गूंद देंगे। बेसन को अच्छी तरह से गूंदे, वरना जो बेसन के आलू है वो थोड़ा हार्ड से बनते हैं। हमारा बेसन अभी पूरी तरह से नहीं गूंदा है, इसको 5 मिनट और अच्छे से थोड़ा सा गूंदेंगे। पतीला लेंगे, उसमें हम 2 गिलास पानी डालेंगे। पानी डाल दिया है, तो इस पानी को अच्छा खौलाने दें, इसके बाद इसमें बेसन के आलू डालें। मिक्सर जार में डाल के मसाला को पीस लें। हमने एक कढ़ाई ली, उसमें 1 चम्मच ऑयल डाला है। अब ऑयल गर्म होने के बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, हम बेसन के आलू बनाते हैं। आप चाहो तो इसको गोल भी बना सकते हो, इस तरह से। छोटे छोटे गोल कर सकते हो, नहीं तो इसको इस साइज में भी बना सकते हो। अब जैसा चाहें शेप दे सकते हैं। देखिए, इस साइज में भी इसको बना सकते हैं। इसी प्रकार आप जौन सा शेप देना चाहें दे सकते हैं। मैं उसे लंबा शेप दे रही हूँ, क्योंकि इसमें काटने में आसानी होती है। वैसे दोनों ही इजी हैं, कोई सा भी दे सकते हो आप शेप, लंबे में भी बना सकते हो, गोल में भी। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जीरा, राई और कड़ी पत्ता डालते हैं। जीरा, राई, कड़ी पत्ता डाल दिया है, हल्का ब्राउन होने के बाद अब हम इसमें का पेस्ट डाल प्याज दें। पेस्ट डाल दिया है, मगर इसको इस प्रकार चलाएं और करीब 10 मिनट इसको तलने दें। बेसन के आलू बन के तैयार हो गए हैं, अब इसको गर्म पानी में डालेंगे। उसको एक एक करके इस तरह से खोलते हुए पानी में डालना है। इसी तरह से हम एक एक करके सब आलुओं को डाल देंगे। सब सारे बेसन के आलू 10 मिनट तक मसाला तल के तैयार हो गया है। अभी ये प्याज लहसुन का पेस्ट है, इसमें मसाला नहीं डाला है। अब इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, यहाँ थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। हम मसाले को इसमें ऐड कर देते हैं। इस तरह से चलाएंगे थोड़ा, और 5 मिनट तक अच्छा इसको भूनेंगे, मसाले को अच्छा तलना है। हम थोड़ा सा मसाले में थोड़ा सा पानी डाल दिया है। 5 से 10 मिनट इसको अच्छे से पका लें, मसाले को मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से पकने दें। चलो, तो बेसन के आलुओं को देखते हैं ये किस प्रकार से पके हैं। देखिए, अभी ये पूरी तरह से नहीं पके हैं, अभी थोड़ा 5 मिनट इसको और पकने देंगे। 5 मिनट के बाद इसको जार में निकाल लेंगे। एक छोटा चम्मच नमक ऐड कर दें, इसमें नमक कम ही डालें, क्योंकि थोड़ा सा नमक हम आलुओं में डाल चुके हैं, फिर इसमें कमी नमक डालेंगे। देखिए कितना अच्छा तल गया है। अब इसको 2 से 3 मिनट हम और तलने देंगे, तो मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। देखिए,
बेसन के आलू पक चुके हैं। अभी मैं इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। हम इस तरह से इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे बेसन के आलुओं को एक प्लेट में निकाल लेंगे। कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। देख कितने सॉफ्ट हैं। इस तरह से इसको जरूर पकाएं। कितने इजीली टूट रहे हैं, गोल भी बना के डाले थे, इसको भी हम दिखाते हैं कितने आसानी से टूट रहे हैं, कितना अच्छा पका है ये। अभी इसको हम सबको कट कर लेते हैं छोटे छोटे पीसों में। इसको कट कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है बेसन के आलुओं को, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और हमारा मसाला भी तो तैयार हो गया तल के। और हम आलुओं को मसाले में ऐड करते हैं। सभी आलुओं को मसाले में ऐड कर दिया है और हम इसको 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको एक बार चलाते हैं। इसको इस तरह से चलाएंगे। आलू जो है बेसन अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसमें जितना चाहें अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। हमने 2 गिलास में पानी ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छा उबाल आने तक इसको खोलाएंगे। आप इसमें और भी पानी डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे इतनी ही ज़रूरत थी तो मैंने इतना ही पानी डाला है। इसमें 2 गिलास पानी डाला। अब इसको उबाल आने देंगे। इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। 10 मिनट हो चुके हैं, सब्जी पक के तैयार हो गई है। देखिए कितना अच्छा फ्लेवर आया है। आप चाहें तो और भी कम ग्रेवी रख सकते हैं, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ग्रेवी रखी है। आप इसमें चाहें और भी कम रख सकते हैं ग्रेवी। देखिए कितना अच्छा फ्लेवर आया। हम इसको एक प्लेट में डाल के परोस के दिखाते हैं। देखिए बन के कितना अच्छा रेडी हुआ है। आप इस तरह से बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगा और बहुत इजीली बन जाता है।